गाइस आज आपको बताने वाला हूँ कैसे कर सकते हो बेन 10 का अल्टीमेट्रिक्स का मोड, जो कि मैं करते रहना आपको मिल जाएगा ये बेन 10 का दून का जो वॉच है अपने माइनक्राफ्ट के अंदर। सो भाई लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस आ चुका हूँ मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। सो भाई आपको करना क्या है, आपको सिंपली मैं नीचे लिंक दूंगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। पहले मैं गूगल में जाकर भाई अपने पहले गूगल में जाकर सर्च कर कर आ जाता हूँ। आपको सीधा डायरेक्ट लिंक मिलेगी मीडिया फायर की। चलो भाई देखिए, आपको सीधा यहाँ पर लिंक मिलेगी, आप सीधा यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। सो आपको इसके ऊपर जो ब्लू का कलर का डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली। भाई इसके बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा लोड टाइम लेगा, अगर आपका नेट बढ़िया है तो वो जल्दी होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है और रिज्यूम के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे ऊपर कर कर ऊपर से, तो यहाँ पर आपको नीचे ये सबसे नीचे मिलेगा ब्राउज़र। सो आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना और आप सिंपली रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस पेज के ऊपर। सो भाई इसमें आपको कोई भी फाइल मैनेजर ZRChiv ऐप की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहीं से सब कुछ कर सकते हो। तो भाई इसका कोई पासवर्ड भी नहीं है। सो मेरा पहले से डाउनलोड हुआ हुआ है, सो मेरा वहाँ पर नहीं जाएगी फाइल, बट आपकी चले जाएगी, तो चिंता मत करना, मेरी नीचे पहले से ही डाउनलोडेड है। सो देखिए ये भाई डाउनलोड होने वाली है, जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपको मैं बताता हूँ कब डाउनलोड होगी। सो भाई डाउनलोड हो चुकी है, तो आपको ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ओपन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं भाई, एंड भाई ये देखो भाई ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सीधा रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके माइनक्राफ्ट के अंदर। नीचे लिखा भी आ चुका है सक्सेसफुली डाउनलोडेड। तो भाई ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़े टाइम के बाद ये चलेगा, क्योंकि मेरे माइनक्राफ्ट पता नहीं लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, मुझे आपका नहीं पता। सो थोड़ा सा टाइम लेता है ये माइनक्राफ्ट, और ये लोड हो जाएगा। उसके बाद ये सीधा वहीं पर माइनक्राफ्ट में ही सीधा रीडायरेक्ट ऑर्डर होगा। सो भाई चलो भाई देखते हैं आगे, एक आपको बस थोड़ा सा वेट करना है। एंड आ चुका है, तो ऊपर आपको ऐसा लिखा आ जाएगा इम्पोर्टेड स्टार्ट इम्पोर्ट स्टार्टेड, बट यहाँ पर मेरा फेल लिखा गया है, क्योंकि मेरा पहले से मेरा मैंने वो अदून डाउनलोड करके रखा था। बट आपका फेल नहीं लिखा आएगा, आपका सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर पहले से डाउनलोड नहीं कर कर रखा होगा तो भाई चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आपने पहले से डाउनलोड कर कर अगर नहीं रखा होगा तो आपका आराम से हो जाएगा। सो मेरा पहले से डाउनलोड हो रहा है, तो मुझे कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने कोई भी वर्ल्ड में कर लेता हूँ जिस वर्ल्ड में मैंने नहीं किया होगा। सो इस वर्ल्ड में मैंने पहले से ही किया हुआ है, बट आपको पूरा दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आपको करना है। सो आपको नीचे यहाँ पर आ जाना रिसोर्स पैक एंड बिहेवियर पैक में। तो यहाँ पर आपको आकर मैंने देखे भाई, यहाँ पर मैंने एक्टिव में पहले से किया है, तो मैं पहले से डीएक्टिवेट कर देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए। सो एक बार मांगेगा थे, और उसके बाद क्या करना है, आपको रिसोर्स पैक में जाकर माई पैक में जाना है, और यहाँ से माई पैक के अंदर बहुत सारे मोड्स होंगे जो मैंने डाउनलोड किए हैं, भाई आपके अंदर नहीं होंगे, आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो ये सीधा एक्टिवेट हो चुका है, आपको नीचे एक्टिवेट करना है। यही सेम काम आपको बिहेवियर पैक में करना है, बिहेवियर पैक में भी जाकर आपको इसे एक्टिवेट कर देना है और यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सो ये भी आपके एक्टिव पैक में आ जाएगा। तो आपको अब सिंपली बस यार प्ले कर देना है, और प्ले करने के बाद ये थोड़ा स्लोड होने लग जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो मेरा माइनक्राफ्ट लोड होने में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, सो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। एंड लोड होने के बाद मैं आपको बताऊंगा भी इसे यूज़ कैसे करना है, सिंपली क्या कहाँ से करना है, कोई कमांड लेनी है या सिंपली वहीं से लेना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो अभी वीडियो छोड़कर मत जाना गाइस, बस थोड़ी सी वीडियो बाकी है, तो थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो।